विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में रायशुमारी का दौर शुरू हो चुका है। टिकट के दावेदार अपना बायोडाटा बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। शनिवार को बालाघाट सीट से टिकट के लिए रायशुमारी करने हिमाचल प्रदेश के विधायक और कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर सर्किट हाउस पहुँचे, जहाँ उनसे करीब आधा दर्जन दावेदारों ने मुलाकात की और अपना बायोडाटा सौंपा। इस दौरान बालाघाट विधानसभा सीट से प्रमुख तौर पर युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मधुसूदन शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, बालकृष्ण बिसेन और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल मौजूद रहे। अनुभा मुंजारे ने पर्यवेक्षक से भेंट करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि पिछले दो चुनावों से उन्होंने बालाघाट सीट पर चुनाव लड़ा है, जिसमें दूसरे नंबर का स्थान उन्होंने बनाए रखा। ऐसे में जनाधार को देखते हुए उम्मीद है कि मुझे इस बार कांग्रेस पार्टी जरूर अपना उम्मीदवार बनाएगी। मैंने अपनी दावेदारी पेश की है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए और काफ़ी सकारात्मक बात हुई है। और मुझे जैसा कि अभी पत्रकार वार्ता में भी सम्मानी राठौर जी ने कहा कि जिसकी छवि अच्छी होगी, जिसका जनाधार होगा, जनता में जिसका भरोसा और विश्वास होगा, उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो पिछले जो कार्यकाल रहा है, अभी लगातार 2013 में भी मैंने काफ़ी अच्छे जनता का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया था, काफ़ी अच्छे वोट मुझे मिले थे, दूसरे नंबर पर मैं थी और बहुत कम अंतर से मेरी हार हुई थी। उसके बाद 2018 में भी मैं सेकंड पोजीशन में ही हूँ और जनता ने काफ़ी अच्छा मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था। तो मेरे साथ जो जनाधार जुड़ा है, जो जनता का वोट है मेरे साथ, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ जो है, और जिस तरह से मैंने काम पब्लिक में किया है या जो भी मेरी छवि है, मैं नहीं कहती कि मैं अपनी तारीफ नहीं करती, पर फिर भी जो कुछ भी मेरी इमेज है पब्लिक में, मुझे विश्वास है कि मुझे कांग्रेस पार्टी और सम्मानी कमलनाथ जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मुझे पार्टी के। अनुराग चतुर्मोहता ने कहा है कि मैं पिछले 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे कमलनाथ जी के निर्देश पर यदि पार्टी के लिए अधिकृत उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा। मेरा काम संघर्ष करना है, जो आगे भी जारी रहेगा। स्तर से लेके संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का हक है, उसी तरह मैंने भी दावेदारी की है। और मैं माननीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देश पर अगर मुझे कांग्रेस द्वारा अधिकृत किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। प्रत्यक्ष तौर पर अपने पर्यवेक्षक से भेंट की है, क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप? नहीं, अपनी देखिए पर्यवेक्षक जी आ रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं और निरंतर विभिन्न विभिन्न तरीके से खंगालने की कोशिश माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2023 में माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। शहर का, जिले का और पूरे संभाग सहित मध्य प्रदेश का एक माहौल है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम लोगों का एक ही परिदृश्य पे काम चल रहा है कि हम अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीत सकें और प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। हम सबका एक ही मात्र लक्ष्य है। लालबर्रा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मधुसूदन शर्मा ने कहा है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि आज पर्यवेक्षक आया है तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है, क्योंकि वे पिछले दो चुनावों से लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी तक मौका नहीं दिया है। ऐसे में अब उम्र के हिसाब से आगामी चुनाव के लिए उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित ही वे चुनाव मैदान में नजर आएंगे। हमारे AICC से पर्यवेक्षक 2023 के विधानसभा चुनाव से संबंधित वो जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं और उसी तारतम्य में हम लोग भी आए थे यहाँ पर, पूरे लालबर्रा ब्लॉक के पूरे समस्त मंडल सेक्टर पदाधिकारी सभी विंगों के, वहाँ के दो अध्यक्ष हैं खमरिया मंडल और लालबर्रा मंडल के अध्यक्ष, पूरे साथियों के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। महिला कांग्रेस भी साथ में है और उसमें 2023 के चुनाव में हमने मधुसूदन शर्मा में स्वयं इच्छा रखता हूँ कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के लिए और इसके पूर्व में भी मैंने 2013-2018 में भी मैंने मांग रखी थी, लेकिन पार्टी का आदेश जैसा हुआ उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया और हमने काम किया। लेकिन अब हम भी आज 64-65 वर्ष के हमारी भी एज होने लगी है तो हम भी अपने पार्टी से और जो पर्यवेक्षक आए हैं राठौर जी, उनसे हम निवेदन करने आए कि भैया हमको एक लास्ट, हम इसके बाद हम टिकट की
उससे आउट हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे, तो इसी स्थिति में हम अपने स्वयं के लिए टिकट लेने आए। कांग्रेस पार्टी से बालाघाट सीट पर वैसे तो आधा दर्जन नेता टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में यदि पार्टी इनमें से किसी एक को भी टिकट देती है तो उनके सामने पहली चुनौती पार्टी के भीतर तालमेल बिठाने की होगी। पर्यवेक्षक भी इस बात को भलीभांति समझ चुके हैं, क्योंकि यहां जिसका भी टिकट फाइनल होगा उसे भाजपा से पहले पार्टी के भीतर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बालाघाट में बीते दो दशकों से सूखा झेल रही कांग्रेस के लिए पर्यवेक्षक राठौर कौन सा विजयी प्रत्याशी खोजकर मैदान में उतारते हैं। पहले तो ये कि जो भी उम्मीदवार हो, जीतने की क्षमता रखता हो, छवि अच्छी हो और बाकी जनाधार हो, ये फॉर्मूले तो हमेशा रहते हैं। कांग्रेस में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसमें भी आ रहा हूँ, पार्टी के प्रति समर्पण हो ये तो रहते हैं, बाकी पार्टी आला कमान का जो फैसला है वो अंतिम रहेगा।